हे माय लवलीज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल चैनल मोर कॉस्मेटिक्स। कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज मैंने सोचा कि आज मैं सुबह सुबह व्लॉग शुरू कर देती हूँ। सुबह सुबह का टाइम तो नहीं है, आई थिंक अभी 11 बज रहे हैं। तो मैं इतने दिन रेगुलर क्यों नहीं थी ये बताने के लिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है, ताकि लोग ये ना समझें कि मतलब ये रेगुलर क्यों नहीं है चैनल के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, एंड मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, तो उसे भी फीवर था एंड मुझे तो टाइफाइड था, मुझे बहुत ज़्यादा फीवर था। एंड अब जब मैं ठीक मेरा फीवर ठीक हो गया है, हम ठीक हैं, तो अब मेरे पाँव का बहुत बुरा हाल है, मेरे पैर पे पता नहीं क्या हो गया है, तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ, तो उसका इलाज कर रही हूँ अभी, उसका इलाज चल रहा है पाँव का। तो ठीक से खड़े होकर मैं खाना भी बना नहीं पा रही हूँ, चल नहीं पा रही हूँ ठीक से। सो वीडियो बनाने का बहुत मन कर रहा है मेरा, बट मैं नहीं रेगुलर रह पा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे लगा मुझे ये रीज़न, ये प्रॉब्लम आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। सो आप सब लोग फैमिली की तरह हो, तो फैमिली के साथ सब कुछ शेयर करना बनता है, शेयर करना चाहिए सबके साथ। तो मुझे लगा कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ कि मैं रेगुलर क्यों नहीं हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो अगर मैं रोज़ रेगुलर नहीं आ पा रही हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग भी समझ सकते हो, किसी ना किसी के साथ ऐसा हो जाता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा थोड़े दिन एडजस्ट कर लो आप, फिर मैं रेगुलर रहने की कोशिश करूँगी, पूरी पूरी कोशिश करूँगी, एंड अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, मेकअप वीडियोज़ आप लोगों के लिए एंड स्किन केयर वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। सो आज मैं बिल्कुल फ्री टाइप घूम रही हूँ घर पे। अभी मैं सुबह सुबह का टाइम नहीं है, 11 बज रहा है, मैं खीर बनाना स्टार्ट कर रही थी। तो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी, इसलिए मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट आज का डे फुल डे आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो मैं इस वक्त ही किचन में एंड मैंने खीर चढ़ाई हुई है गैस के ऊपर, तो अभी मैं खीर बनाऊँगी, फिर मैं सब्ज़ी भी बनाऊंगी। आज बहुत सारा काम पेंडिंग है, तो तबीयत ख़राब होने की वजह से बहुत कुछ इधर उधर हो जाता है थोड़ा सा। तो मिलती हूँ आप लोगों से खीर बनाने के बाद, एंड मेहर से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ, एंड स्टे ट्यून्ड। ये देखो गाइज, मेरे पैर का कितना बुरा हाल हो के रखा है, चल भी नहीं पा रही मैं ठीक से। चावल को मैंने उबाल लिया है एंड दूध मैंने निकाल के रखा है। अभी मैं ये जो है अमूल मिठाई मेट, इसको भी मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, बट पहले हम दूध को चावल में डालेंगे एंड उनको उबालेंगे अच्छे से। तो जब तक वो कुक होगी, खीर कुक हो जाएगी थोड़ी सी, तो फिर हम उसको इसमें मिक्स कर देंगे। एंड ये जो अमूल मिठाई मेट है, इससे जो खीर का टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो जब आप ये डाल रहे हो खीर में, तो प्लीज़ आप उसमें शुगर ऐड बिल्कुल मत करना, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा शुगर होता है पहले से, तो ये बहुत मीठा था। सो आपको खीर में चीनी मिक्स नहीं करनी है। तो अभी राइस कुक हो गए, उसमें दूध डालूँगी, फिर वो कुक होगी थोड़ी देर तक, 15-20 मिनट तक, फिर मैं उसमें इसको मिक्स कर दूँगी एंड फिर हम थोड़ा सा कुक करेंगे और फिर हमारी खीर रेडी हो जाएगी, फिर उसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे, देन दैट्स इट। एंड मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। मैंने इसे खोल लिया, ये अंदर से ऐसा दिखता है एंड ये बहुत ही यमी होता है। इसे डालने से खीर का टेस्ट जो है वो अलग ही टेस्ट आता है, बहुत यमी बनती है खीर से। एंड मैंने इसे ओपन कर लिया, इसको खीर में मिक्स करने जा रही हूँ, अभी वो कुक हो रही है, तो इसको मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। मैं अभी इसको पूरा का पूरा ही डालने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ 3 जने हैं, तो एक काफ़ी है। जिन्होंने ज़्यादा खीर बनानी हो, वो ज़्यादा लोगों के लिए खीर बनानी हो, तो वो 2 भी यूज़ कर सकते हैं, मैं एक ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं इसमें ऐसे डाल दूँगी। वाओ यार, ये बहुत थिक होता है। इसको डालने के बाद आपको इसमें शुगर नहीं डालना है। गाइस, हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है, कुक हो चुकी है, एंड उसे हम गार्निश करने जा रहे हैं। ये मैंने थोड़े से बादाम चॉप कर लिए हैं, इसको मैं इसमें अभी मिक्स कर दूंगी।
हाय गाइस, चलिए आपको मैं हेयर से मिलाती हूँ। मैं फ्री हो गई थी किचन से, तो सोचा मैं थोड़ी देर अंदर आके आराम कर लूँ। ये रही हमारी मेहर एंड सबसे नॉटी बच्चा। क्या कर रहे थे आप? जी कर रहे थे। चलो ठीक है, फिर बैठ के खा लो। गाइस मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं आराम कर लूँ। आराम करने के बाद मुझे फिर से किचन में जाना है एंड मुझे सब रात का डिनर भी सब तैयारी करनी है, उसकी सब्जी बनानी है, आटा गूंदना है, सब काम पड़ा है। तो फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ 10-15 मिनट, फिर आपसे मिलती हूँ। स्टे ट्यून्ड, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ।